हजरत की जो जान है मेरे ताजो शरिया की क्या शान है। लफ्ज़ जब तक वजू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते, और छिड़ जाए घड़ी शहे कौनो मका के बाद, छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मका के बाद, पढ़िए दुरूद छोड़िए सारे जहां के बाद। छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मका के बाद, पढ़िए दुरूद छोड़िए सारे जहां की बात। आती है यूं लबों पे शहे इनसो जहां की बात, जैसे के मुंह जमी का हो और आसमा की बात। और शहरे नबी की याद में तड़पा दिया हमें तुमने नसीर आज सुना दी कहां की बात। शहरे नबी की याद में, शहरे नबी की याद में, शहरे नबी की याद में तड़पा दिया हमें तुमने नसीर आज सुना दी कहां के बाद। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाज करते हैं। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाज करते हैं। और कहां से फितना उठता है कहां नफरत बनती है, फितना उठता है कहां नफरत बनती है। समझ लेते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं, समझ लेते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं कि किसी कमजर्फ की शोला बयानी से न डरिएगा। किसी कमजर्फ की शेर सुने, किसी कमजर्फ की शोला बयानी से न डरिएगा। हमें जो खाली होते हैं बर्तन करने वालों, मेरे और आपके नबी कुल कायनात के नबी इरशाद फरमाते हैं क्या लोगों, जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले सलाम किया गया। कौन फरमाते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? ऐ लोगों जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले सलाम किया करो। गुलामों ने बारगाह नबी में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, जिस घर में कोई बंदे मोमिन मौजूद ना हो तब पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं तब भी सलाम किया करो। इसलिए कि जिस बंदे मोमिन के घर में कोई शख्स मौजूद नहीं रहता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उस बंदे मोमिन के घर में मैं मौजूद रहता हूँ। शाह ने कहा था इश्क इंसान को कलंदर भू अली करता है। वापस से बोलते सुभान अल्लाह, ग्राम की दुआएं चाहता हूँ। इश्क इंसान को कलंदर भू अली करता है, हमें इश्क पोशीदा अदाओं को उछली करता है। इंसान को कलंदर भू अली करता है, इश्क पोशीदा अदाओं को झली करता है। और प्यार हो दिल में मोहम्मद का तो खुदा की कसम, हमें इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। सुभान अल्लाह, प्यार हो दिल में मोहम्मद का तो खुदा की कसम, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है। फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है, न इसमें रहना कि पहले कोई सलाम करे। वो मुहवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है भरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है भरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मेरी माम आखिरी मक्ते में शाह फरमाते हैं, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खलक का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खलक का आका कहूँ तुझे। मेरे मुर्शिद मेरे सरकार ताजो शरिया बार कहीं नबी में खराज अकीदत पेश करते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दें।
नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अदा कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमीन को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। जहल के जैसा कभी ना हो नहीं सकता, नबी कह दे जिसे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता। अगर मक्खी दुरुदे पाक पढ़ना भूल जाए तो जमाने का कोई भी शहद मीठा हो नहीं सकता। अगर मक्खी दुरुदे पाक पढ़ना भूल जाए तब जमाने का कोई भी शहद मीठा हो नहीं सकता। यकीन जाने आप सरकार की महफिल में आए हैं, अब हजरात सरकार के महफिल में आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी जाएं वहां आप अपने बाप के तवज्जो के साथ एक जुमला ले लें। आप अमेरिका चले जाएं वहां आप अपने बाप के रहेंगे। आप अफ्रीका चले जाएंगे वहां आप अपने बाप के रहेंगे। आप बंगाल और नेपाल चले जाएं वहां आप अपने बाप के रहेंगे। आप चीन और जापान चले जाएं वहां आप अपने बाप के रहेंगे। आप सऊदी दुबई चले जाएं वहां आप अपने बाप के रहेंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं वहां आप अपने बाप के रहेंगे। लेकिन कसम खुदा की नाजिम हुसैन कादरी, नाजिम जाकिर हुसैन कादरी स्टेज पर उलमाए कराम की मौजूदगी में ये कहने की जसारत कर रहा है, जो अल्लाह के नबी की महफिल में आ जाता है, जो रसूल पाक की महफिल में आ जाता है, वो अपने बाप का नहीं बल्कि रसूल पाक का हो जाता है। बाप का नहीं बल्कि रसूल पाक का हो जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं इस वक्त आप अपने बाप के नहीं हैं, बल्कि बापों के बाप रसूल पाक के हैं। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। किसके हैं? रसूल पाक के। मिंबर रसूल पर सना खान रसूल भाई रुस्तम रजा प्रतापगढ़ तशरीफ फरमा है और कारी खुशलान अली जनाब हाफिजो कारी अब्दुल अलीम साहब के मिला और हाफिज दिलकश कर साहब के मिला। मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन तमाम तर उलमाए कराम के दुआओं का सहारा लेकर मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ा सा माहौल बनाएं और मोहब्बत से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर सुने कि लहू है, लहू है, लहू है दीप बदन में बता दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए। वापस से बोल दे सुभान अल्लाह। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा दिया जाए। लहू है पाक, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, बदन में बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा दिया जाए। तरीका ये भी है, तरीका ये भी है, तरीका ये भी है, इस महफिल पाक में आने वालों तरीका ये भी है, जल्दी अमीर बनने का कि नबी के नाम का सबको लुटा दिया जाए।